कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए काफी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक इस महामारी को खत्म करने के लिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इस पूरे के पूरे भारत देश के ऊपर इस महामारी ने अपना खौफ फैलाया हुआ है। काफी सारे लोगों को अपने चंगुल में महामारी ले चुकी है और काफी लोगों की इस महामारी की वजह से मौत हो चुकी है, यानी कि इस महामारी की वजह से काफी लोग मर चुके हैं। और इस महामारी से बचने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसको करने के बाद आपके तक ये महामारी कभी जिंदगी में भी नहीं पहुंच पाएगी। वैसे इस महामारी का अंत महादेव जल्द ही कर देंगे, लेकिन तब तक हमें इससे बचने के लिए एक चीज चाहिए होगी, एक ऐसा सुरक्षा कवच जिससे हम इस महामारी से बच पाए। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इस पूरे के पूरे सुरक्षा कवच को अपने शरीर के ऊपर लगाने के लिए, इस महामारी से बचने के लिए। सभी लोग जानते हैं, इस महामारी की मौतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और मौतों से अधिक तो इसके केस बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि जितनी देर में हम इस वीडियो के अंदर बातचीत कर रहे हैं, उतनी देर में कोरोना वायरस के कई केसेस आ चुके होंगे, और जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे तब तक हजारों से ऊपर केसेस इस कोरोना वायरस के आ चुके होंगे। हमें इस महामारी का अंत करने के लिए अपने ऊपर एक ऐसा सुरक्षा कवच लगाना होगा जिससे इस पूरी महामारी का अंत हो जाए और हम भी बचे रहें। तो फिर इस पूरे सुरक्षा कवच का नाम है महामृत्युंजय मंत्र। अगर आप इस मंत्र को दिन में 108 बारी बोलते हैं तो फिर इस महामारी से बचने के लिए महादेव आपके ऊपर सुरक्षा कवच जरूर लगा देंगे और साथ ही साथ आप हमेशा ही बचे रहेंगे इस महामारी से। इस महामारी से बचने के लिए आपको सिर्फ इस मंत्र का उच्चारण करना होगा। दिन में 108 बारी अगर आप इस मंत्र का रोज जाप करते हैं तो आप इस महामारी से काफ़ी ज़्यादा आसानी से बच सकते हैं। आप में से काफ़ी कम लोग होंगे जो कहेंगे कि हमने तो भगवान को देखा ही नहीं, हम तो भगवान पे विश्वास ही नहीं करते। तो फिर जो लोग कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने कभी दूध के अंदर घी को देखा है? जैसे कि दूध के अंदर से घी को निकालने के लिए दूध का मंथन करना पड़ता है, वैसे ही भगवान के आगे हमें विनती प्रार्थनाओं को करना पड़ता है और कुछ ऐसे जाप करने पड़ते हैं जिनसे हमें भगवान को देखने की शक्ति मिलती है और भगवान हमारे सामने स्वयं खड़े हो जाते हैं और भगवान हमारी हर एक विनती प्रार्थना को पूरी करते हैं। अगर आप इस महामारी से बचना चाहते हैं तो आपको यह मंत्र का रोज जाप करना होगा 108 बार। अगर आप इस पूरे मंत्र का जाप करते हैं तो आप इस महामारी से काफ़ी ज़्यादा आसानी से बच सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं इस महामंत्र के बारे में, अगर आप इस महामारी से बचना चाहते हैं तो। अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे और भी कई सारे वीडियोस हम रेगुलर डालते रहते हैं। ऐसे कई सारे वीडियोस आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो। और साथ ही साथ ऐसे कई सारे वीडियोस हमारे चैनल के अंदर काफ़ी सारे भरे हुए हैं, आप उन्हें जाके भी देख सकते हैं ऐसी चमत्कार के ऊपर। और साथ ही साथ कुछ ऐसी वीडियोज़ जिसको आप देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, ऐसी वीडियोस हमारे चैनल के अंदर काफ़ी सारी हैं, तो अभी के अभी जाके उन्हें देखिए। अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो के नीचे हर हर महादेव भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपकी कोई विनती प्रार्थना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सभी लोग अपनी पूजा के अंदर आपको रखेंगे और आपकी विनती को ज़रूर पूरा कराएंगे। तो बने रहें हमारे ऐसे कई सारे वीडियोज़ के एंड तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।